जय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम रोड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों हम आज पढ़ेंगे गणित कक्षा 12 का। ठीक है, आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हम आपको इस एक ही वीडियो से आपको 50 मार्क्स देके जाएंगे, 50 नंबर दिला के जाएंगे गारंटी के साथ। गारंटी के साथ दोस्तों आपको 50 मार्क्स मिलेगा, यह दोस्त एकदम 100% गारंटी है। दोस्त इसके पीडीएफ के लिए हम पहले ही बता देना चाह रहे हैं कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसी टेलीग्राम पे आपको दोस्त इसका पीडीएफ मिलेगा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज जाके आप लोग वहां से ज्वाइन करिएगा, इसका दोस्त पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे दोस्तों आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां से आप देखेंगे तो आपको दोस्त बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा सारी बातें। ठीक है, यहाँ दोस्तों हम लोग कम समय में बहुत ज्यादा देखना है, क्योंकि आपका नेक्स्ट डे पेपर है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका समय कम है तो दोस्त आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, साइन दोस्त पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने किया है दोस्त, इस वैल्यू को मैंने वाई के बराबर मान लिया दोस्तों। अभी सॉल्व किया है मैंने, इनवर्स को दोस्त साइन इनवर्स को इस साइड में लाएंगे दोस्तों, आपका क्या होगा साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों वैल्यू जो है यही रहेगा। ठीक है, इसको मैंने दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों, आप क्लियर हो जाएगा 110%। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लगे रहिए मेरे साथ, इसी तरह बने रहिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन दोस्त नेक्स्ट आपका जो है, आपका किसका है, सारणिक का है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। इसका दोस्तों मैंने पहला पहला दोस्तों मैंने उठा के इस तरह से मल्टीप्लाई दोनों करके लिख दिया। ठीक है, यह क्वेश्चन मैं यहाँ पे किया हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पहला उठाया। ठीक है, और दोस्त मैंने क्या किया, पहला आपका रो को उठाया और दोस्त मैंने कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड में मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे दोस्त लिख दिया। ठीक है, उसी तरह दोस्त मैंने सेकंड किया हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसको आप लोग अच्छे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन, आगे भी देख यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एक एक स्टेप दिखाऊं, प्लीज आप लोग समझिएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्या है, मैट्रिक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्त बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम लगातार दोस्त आया भी है, आएगा भी। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा दोस्त x + y + z एक ब्रैकेट में दोस्तों एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, या दोस्तों आपका फाइनल आंसर जाएगा जो दोस्त राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। प्रूफ करने के लिए था आपके दोस्त, प्रूफ करने के लिए था, यह बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छे से आप लोग देखेगा यह आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्त आपको पांचवा, इस वीडियो के अंतर्गत आपको पांचवा पेपर का पांचवा क्वेश्चन और जो छठवां क्वेश्चन क्लियर किया जा रहा है, पांचवा और छठवां दोस्त 25-25 मार्क्स के होते हैं, पांच आपका पांच पांच मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्त कितने हैं, एक 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 में दोस्त पांचवे में आपका पांच क्वेश्चन रहेगा, छठवें में आपका पांच क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत केयरफुली देखिएगा, 25 मार्क्स का है यह दोस्त वीडियो, आप लोग अच्छे से देखिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा दोस्त क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसको मैंने मुझे दिखाना है दोस्त कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर, यह दोस्तों हमको दिखाना है, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से पूरा सॉल्व किया है, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। फाइनल इसका दोस्तों आपका आंसर आएगा डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, देखिएगा। ठीक है, यही प्रूव करना था हमको, यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही प्रूव करना था, यहाँ पे दोस्तों हमने कर दिया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्त देखिएगा, बहुत ही मस्त और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब है प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घन के एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। दोस्त कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको देखिए बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। माना किसी समय टी पर घन के कोर की लंबाई एक्स, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यस तथा आयतन वी है, मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चन दिया गया था वी बराबर एक्स क्यूब, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलाया, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप दोस्त आसान से दोस्त पूरे अच्छे से दोस्त हम सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, महत्वपूर्ण दोस्त क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिरी में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन, अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2.33 वर्ग सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 12 है का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने भी इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया है, टी बराबर एक्स माइनस 3 मान लिया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, पहले दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैंने
12 को तोड़ा 9 और 3 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको हम दोस्तों मिला के मैंने यहाँ पे x माइनस 3 लिख दिया का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों x माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा वैल्यू, ठीक है, इसके बराबर आएगा। 3 दोस्तों अलग है, इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों अंडर रूट 3 कर दिया, इसको इसका स्क्वायर कर दिया, यह दोस्तों सॉल्व होगा तो आपका यही आएगा, 3 ही आएगा। अब दोस्तों मैं इस वैल्यू को x माइनस 3 को टी के बराबर मान के दोस्तों सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको दोस्तों हमने फाइनली क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ कह रहा है जहां अल्फा क्या है, अच्छा रहे, तो इसको दोस्तों हमने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे दोस्तों सोल्यूशन कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में पूरी बातें आ जाएंगी। बहुत आसानी से मैंने तोड़ के यहाँ पे सॉल्व करके रख दिया है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। आपके पास समय कम है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह दोस्त देखिएगा, परवलय का समीकरण दिया गया है, पहला इसको मैंने मान लिया, जैसे कि आप कह रहा है परवलय का दोस्त समीकरण का इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। परवलय का समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्त, हमने क्या किया, परवलय समीकरण जो दिया गया था उसको क्वेश्चन फर्स्ट बना दिया, तथा नाभिकीय जीवा की समीकरण मैंने एक्स बराबर अल्फा मान लिया, ठीक है, बना दिया, ठीक है। अब देखिए ये दोस्त हम सॉल्व किए, ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे, फिगर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं और बहुत अच्छे से दिखा रहा हूं, आप लोग अच्छे से पूरा इसको क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही आराम से तो इसको क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आपका फाइनली आएगा 8/3 दोस्तों ए का स्क्वायर वर्ग इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। ये दोस्त भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वक्रों के कुल दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, एक समीकरण दे दिया है जिसमें एक तो कह रहा है ए बी स्वच्छ अक्षर है, तो निरूपित करने वाले अवकलन समीकरण को ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, हमारा पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो जाके ज्वाइन करिए और वहां पे दोस्तों आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को दोस्तों आप आराम से अच्छे से पूरा देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, आपका दोस्तों एग्जाम में दोस्तों 50 मार्क्स दिलाएगा आपका वीडियो, ठीक है। यह दोस्त पीडीएफ से आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सदिश दोस्त यहाँ पे दिया गया है, ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक दिशा एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 7 इकाई हो। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 110% आएगा ही आएगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी तो सदिश का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए लाया है, ठीक है, यह आपके एग्जाम में 110% यह भी आएगा, ठीक है। दोस्तों दोनों में से कोई एक फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको आपको दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बिंदुओं 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k, दोस्तों यहाँ पे कॉमा है, ध्यान दीजिएगा, माइनस 3i कैप प्लस 10j कैप और माइनस 9k कैप, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों माइनस 5i कैप माइनस 6j कैप माइनस 6k कैप से होकर जाने वाली समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसको मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, देख लीजिए, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इतना दोस्त आराम से, इतना तोड़ के मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं, तो प्लीज आप लोग अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, ठीक है, 10 बल्बों में से 6 बल्ब क्या है, खराब है, एक एक व्यक्ति यादृच्छया 3 बल्ब चुनता है और होल्डरों में लगा देता है, उसे प्रकाश मिल जाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह प्रोबेबिलिटी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व किया है, बल्ब की संख्या 10 है, 10 में से 3 बल्बों की चयन करना है, क्योंकि दोस्त कितना है, 3 ही तो सही है, तो 3 को चयन करना है, तो 10C3 हो गया। अब दिया है 6 बल्ब खराब है और 4 बल्ब तब अच्छे होंगे, तो कमरे में प्रकाश न मिलने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6C3 अपान का 10C3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, 6 फैक्टोरियल अपान यहाँ पे 3 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिएगा, 6 माइनस ये फार्मूला होता है ना दोस्त, ठीक है, ये 6 माइनस 3 हो जाएगा, उसके बाद इसको आपका फाइनल 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपान क्या होगा दोस्त, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और दोस्त नीचे वाली वैल्यू जो है वो पलट जाएगी दोस्त, ऊपर आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिवाइड है दोस्त यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसको मैंने सॉल्व किया है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, उसके बाद दोस्त फाइनली आपका यहाँ पे 1/6 आया, ठीक है। इसका दोस्त लास्ट देखिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों लास्ट में आपके आएगा, कमरे में प्रकाश होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस कमरे में प्रकाश न हो मिलने की प्रायिकता, तो 1 माइनस अब हमको निकाले थे हम लोग की नहीं मिले, ठीक है, 1/6 नहीं मिला था दोस्तों, न मिलने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है,
वन माइनस वन बाई सिक्स बराबर दोस्त 5/6 आ गया। तो क्या होगा, कमरे में प्रकाश होने की प्रायिकता आपका 5/6 होगा। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्त। इसके लिए दोस्त, इसके पीडीएफ के लिए दोस्त आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको दोस्त मिल जाएगा। उसी टेलीग्राम पे आपको मिलेगा दोस्त जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जाइए वहां ज्वाइन करिए दोस्त, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। और दोस्त इसी तरह हमारे वीडियो को दोस्त वॉच करते रहिए दोस्त, आपको मैराथन जल्द ही मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल वेट करिए, आपका दोस्त अंतिम प्रहार आ रहा है, तो आप लोग पूरा वहां से एक्सप्लेन भी अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, वहां पर भी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दोस्त दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।